Sen kim oluyorsun da benim karımla bu şekilde konuşuyorsun? Bunlar nasıl laflar böyle? Bir kere demek bir bildiği var ki böyle yaptın. Hello friends, welcome back to my channel with the new form of quantity 234. So friends, जवाहर जो है वो बार बार दिलान की इंसल्ट कर रहा है और दिलान इसके बिहेवियर को इग्नोर कर रही हैं। बट फ्रेंड्स, जवाहर जब बारान के सामने दिलान की इंसल्ट करता है तो बारान से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो कहता है कि जवाहर, तुम कैसे मेरी वाइफ के साथ इस तरह से बात कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, बारान जवाहर को पंच भी मारेगा और यहाँ फ्रेंड्स दिलान जो है वो बारान से इस बात को लेकर नाराज़ हो जाएगी कि वो मेरे बॉस के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। एंड फ्रेंड्स, बारान कहता है कि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं है कि किसी लड़की से और या फिर अपने एम्प्लॉय से किस तरह से पेश आना चाहिए। आज मैंने उसे सिखा दिया है। एंड फ्रेंड्स, बारान और दिलान की ये फाइट देखकर जवाहर बहुत ही खुश होता है और यहाँ फ्रेंड्स सबीहा जो है वो जवाहर को रोकने की कोशिश कर रही हैं। एंड फ्रेंड्स, सबीहा जो है वो जवाहर के ख़िलाफ़ एक सॉलिड एविडेंस लेकर आई हैं और उसकी वीडियो वो जवाहर को दिखाती हैं और जवाहर से कहते हैं कि वो दिलान और बारान से दूर रहें, अदरवाइज़ वो इस वीडियो को पुलिस को दे देगी। होप करते हैं फ्रेंड्स कि जवाहर की वजह से बारान और दिलान की सेपरेशन नहीं होगी। और यहाँ फ्रेंड्स अंकल हसन जो है वो कहते हैं कि मेरा नाम भी हसन काराबे नहीं, मैं तुम दोनों की शादी नहीं होने दूँगा। फ्रेंड्स, हो सकता है कि अंकल हसन के धमकाने पर कुल खुद फैराज से डाइवोर्स की बात करे। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि कुल और फैराज की डाइवोर्स हो जाएगी और यहाँ जवाहर की वजह से बारान और दिलान की सेपरेशन हो जाएगी या फिर सबीहा इन सब को रोकने में कामयाब हो जाएगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस तरह की मज़ीद नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।